हाई गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। माई नेम इज सिमरन। आज के टाइटल में आपने देख ही लिया है। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू Amazon ज्वेलरी अंडर 399। और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत सारे नेक पीसेज भी हमने 399 में चूज़ किए हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स। तो कुछ नए ब्रांड्स ट्राई किए हैं, कुछ पुराने। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग दिस वीडियो विद वन ऑफ द फर्स्ट पैकेज दैट आई हैव इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड शाइनिंग डीवा। शाइनिंग डीवा पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है एंड रियली अफोर्डेबल प्राइस, सो डेफिनेटली यू शुड चेक आउट। सो आई विल बी शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल नेकलेस दैट आई हैव। ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा नेकलेस है ग्रीन कलर का, जिसमें एडी की डिटेलिंग दी गई है, इसमें बड़े बड़े स्टोन्स हैं ग्रीन कलर के। इसका जो स्पेशली शेप है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लेट मी रिमूव द इयररिंग्स जिससे कि आपको क्लियरली ज्वेलरी दिखा पाऊँ, वरना आपका ध्यान इयररिंग्स पे रहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। ये ज्वेलरी मैंने पहले भी अपनी वीडियो में स्टाइल की है एंड इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस। स्पेशली आप जो जिम्मी चू वगैरह की साड़ीज़ पहनते हैं उन पर ये बहुत अच्छी लगती है। इट्स अ वेरी प्रिटी नेकलेस। एंड कमिंग ऑन टू द इयररिंग्स, इट कम्स विद दीज ब्यूटिफुल स्टड्स जो कि बहुत सिंपल बेसिक आते हैं, येट ये इस नेकलेस को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल वेन एवर यू वेयर इट। तो आप इसे डिफरेंट साइज के साथ, डिफरेंट सूट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल नेकलेस। अगर क्वालिटी की बात करूँ, इट्स डेफिनेटली अ 10/10। नेक्स्ट नेकलेस जो है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम शाइनिंग डीवा एंड दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी वन। इस बार ग्रीन नेकलेसेस काफ़ी हैं बिकॉज ग्रीन इज़ अ वेरी वर्सटाइल कलर, तो उसको आप आराम से कैरी कर सकते हो किसी भी आउटफिट के साथ। And it's a very nice and a beautiful decent choker set. ये तो मैंने अब तक खोला भी नहीं है। So this is comparatively on the heavier side. काफ़ी हैवी है ये, लेकिन इसका लुक बहुत सुंदर आता है। लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस इज़। एंड अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ, मुझे इसकी क्वालिटी बहुत पसंद आई इसके प्राइस के हिसाब से। सो अगर मैं देखूँ तो ये डेफिनेटली अ मस्ट हैव नेकलेस है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके किसी भी आउटफिट पर चलेगा एंड सेकेंडली इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, यू आर वेरी कन्फ्यूज, जस्ट वेयर इट and it will simply elevate your whole look. Let's try the earrings as well. Earrings इसमें कुछ इस टाइप के आएंगे जो कि बेसिक हैं काफ़ी, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल सही earrings दिए हैं। ज़्यादा छोटे और ज़्यादा बड़े भी इस पर अच्छे नहीं लगते। दिस आर मीडियम साइज earrings एंड दिस नेकलेस इज़ लुकिंग जस्ट परफेक्ट। सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू दिस वन बिकॉज ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे तो। इट्स वेरी डिसेंट येट इट्स अफोर्डेबल। मूविंग ऑन टू अनदर पीस दैट वी हैव, आई बॉट दिस वन फ्रॉम द ब्रांड सुखी। एंड सुखी में आपको बहुत सारी अफोर्डेबल वैरायटी मिल जाएगी, बट जनरली मुझे सुखी की क्वालिटी उतनी पसंद नहीं है। बट अभी देखते हैं चलो क्या आया है इसमें, क्वालिटी कैसी है। या अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल चोकर सेट, और ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया था बिकॉज ये भी एक बहुत वर्सेटाइल पीस है। सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। क्वालिटी और डिज़ाइन वाइज भी बहुत सुंदर है। एंड अगर मैं देखूँ तो ये चोकर के साथ बहुत ही सुंदर से झुमके दिए हैं। ये मतलब ऐसा पीस है कि आप इन सबको अलग अलग भी स्टाइल कर सकते हैं। इसका मांग टीका स्पेशली आई रियली लाइक। मुझे ऐसे छोटे राउंड वाले मांग टीके बहुत पसंद है। एंड दीज आर गोइंग टू बी द इयररिंग्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे कि मैंने बताया। एंड मुझे लगता है कि ये मेरा न्यू फेवरेट अफोर्डेबल चोकर सेट होने वाला है अमेजोन से, बिकॉज इसका लुक बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड इसमें जो कलरफुल स्टोन्स दिए हैं ना, वो इसको और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं। दैट्स हाउ द सेट विल लुक लाइक। एंड इसने इंस्टेंटली मेरा लुक एकदम से चेंज कर दिया है। साथ में इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस मांग टीका। बहुत ही छोटा सा लेकिन काफ़ी सुंदर दिखने वाला है, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और इसकी इयररिंग्स तो ऐसे मैं अलग से भी सूट वगैरह के साथ पहन सकती हूँ तो बहुत अच्छे लगेंगे। वी हैव वन मोर पीस फ्रॉम सुखी एंड ये वाला देखते हैं। ओके, सो इट्स अ वेरी नाइस कलरफुल नेकलेस। मुझे कैसा डिसेंट सा कलर में नेकलेस चाहिए था। सो ये कुछ इस टाइप का आएगा, लाइट पिंक, थोड़ा लाइलैक लैवेंडर सा शेड है ये एंड काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में तो। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी, तो इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज लगी कंपैरेटिवली इसके, बिकॉज प्राइस रेंज लगभग इनका सेम है एंड ब्रांड भी सेम है, तो इसकी क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। नो डाउट द नेकलेस इज लुकिंग वेरी क्यूट, बट जैसे कि मैंने बताया मुझे इसकी क्वालिटी सेटिस्फाइंग नहीं लगी। इसके बहुत ही सुंदर से छोटे छोटे स्टड इयररिंग्स आए हैं एंड नेकलेस मैंने पहन लिया, तो कुछ बहुत बेसिक सा सिंपल सा पहन लो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड मैं अभी इसे पहनने की कोशिश कर ही रही थी, इतने में टूट गया, सो बैड लक। मूविंग ऑन टू अनदर नेक पीस, ये मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम द ब्रांड ज़वेरी पर्ल्स। सो ये नेकलेस आप ऑलरेडी मेरी एक वीडियो में देख चुके हो, आई विल अटैच द क्लिप हियर सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए इसका। ये काफ़ी हैवी नेकलेस आता है, ट्रस्ट मी दिस इज लाइक लिटरली हैवी। और अभी तो मैं इसे सीधा भी नहीं कर पा रही हूँ। दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। ये कुछ इस टाइप से आता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है बट इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड काफ़ी हैवी भी है। इसमें पूरे में बीड्स आती हैं और साथ साथ इस तरीके का बहुत ही प्यारा सा इसमें कुंदन के फ्लावर्स दिए गए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड पैटर्न फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स, बट ये उनका इतना हिट हुआ है कि ये पैटर्न कभी भी आप पहन लो बहुत सुंदर लगता है, बहुत क्लासी लगता है एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ इट।
और इसके साथ ही छोटे छोटे स्टड्स आते हैं बिल्कुल बेसिक से जो आप आराम से कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट पीसेज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड आई जूल्स। आई जूल्स को तो आपको पता है मैं कितनी बड़ी फैन हूँ, दे प्रोवाइड यू वेरी नाइस ज्वेलरी। सो ये एक पर्ल चोकर मैंने ऑर्डर किया बिकॉज आजकल पर्ल कितना ट्रेंड में आपको तो पता ही है, एवरी डिजाइनर सब्यसाची बीट एनी बॉडी सब लोग पर्ल पर बहुत ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पर। सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग दिस वन आउट। मेरे पास इसका ना हल्का सा पेल टोन तो ऑलरेडी था बट आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस लाइक रियली ब्राइट वाइट वाला चोकर। सो पर्ल्स जो हैं ट्रेंड में वापस आ चुके हैं एंड दे लुक्स ग्रेट विद एवरीथिंग। मुझे तो समझ नहीं आता लोग इतना इग्नोर क्यों करते हैं, पर्ल लुक मोस्ट क्लासी ट्रस्ट मी। तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका और मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बीट ट्रेडिशनल बीट वेस्टर्न सबके साथ पर्ल बहुत अच्छे से जाता है। कोई भी फैब्रिक हो किसी भी फैब्रिक के साथ आप आराम से पर्ल को कैरी कर सकते हो, यू डोंट हैव टू टेक केयर कि इसके साथ कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, इट लुक्स ग्रेट विद लिटरली एवरीथिंग। सो नेक्स्ट पीस इज फ्रॉम दिस ब्रांड शाइनिंग डिवा अगेन, और ये मैंने एक चोकर ऑर्डर किया जो कि ऑलरेडी मेरे पास था एंड यू गाइज वर आस्किंग अ लॉट अबाउट इट। और ये उस दिन जिस दिन मैंने पहना उसी दिन इसका नग निकल गया था, मतलब मैं बहुत दिन से पहन रही हूँ उसको बट उस दिन ये खराब हो गया था लिटरली क्योंकि मेरी बेटी ने उसको फेंक दिया था। बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइस फ्रॉम अमेजॉन टिल नाउ एंड प्राइस के हिसाब से भी ये डेफिनेटली वर्थ इट है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल चोकर। अगर आपने अभी रिसेंटली कोई सॉन्ग देखा हो जिसमें करीना कपूर है उन्होंने ऐसा ही एक चोकर पहना हुआ है एंड दैट इज़ लुकिंग सो प्रिटी बिकॉज एक तो पर्ल्स हैं ऊपर से बीच में इसमें ग्रीन आएगा ये बड़ा सा स्टोन उन्होंने जो पहना उसमें लाइट ग्रीन कलर का स्टोन है एंड ऑब्वियसली दैट इज़ ऑफ वेरी वेरी नाइस क्वालिटी बट अफोर्डेबल प्राइस के हिसाब से मुझे तो ये लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस नेकलेस इज लुकिंग राइट। एंड अगर मैं इसके इयरिंग्स की बात करूँ तो वो तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें आते हैं ये बहुत ही सुंदर से स्टर्ड इयरिंग्स जिनमें बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, आप इन्हें इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ कैरी कर सकते हो अलग से विदाउट चोकर इवन। एंड ये इसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक देते हैं। अगेन ग्रीन जो कलर है ना वो भी पर्ल को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है एंड दिस पर्टिकुलर सेट क्योंकि देखो मैं दूसरी बार खरीद रही हूँ सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू। अनदर पीस दैट वी हैव इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड अतासी इंटरनेशनल। पहली बार मैं इनका ट्राई कर रही हूँ बट मुझे इनके एडी कलेक्शन ने काफ़ी यू नो अट्रैक्ट किया सो आई जस्ट थॉट ऑफ ट्राइंग। एंड ये नेकलेस मैं ऑलरेडी एक वीडियो में पहन चुकी है, ऑलरेडी शोन यू विद वन ऑफ द ब्यूटीफुल साड़ी सारा बोर्ड फ्रॉम अमेजॉन। तो ये बहुत ही सुंदर सा नेकलेस है, अगर आप इसे पास से देखो इसमें बहुत बड़े बड़े स्टोन्स लगा कर दिए हैं क्योंकि मैंने इसे होल्ड करा हुआ है। दिस इज क्वाइट स्टर्डी, द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस और जब मैंने इसको स्टाइल किया था ना ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, ट्रस्ट मी मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड प्राइस के हिसाब से देखोगे ना एकदम लूट वाला ऑफर है सच में, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा एंड आई विल हाईली हाईली रिकमेंड दिस। आई जस्ट गेस कि ये स्टॉक में हो क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी स्टॉक आउट होती है, मैंने ऑलरेडी इसका लिंक दिया था तभी भी। इसके साथ ये इयरिंग्स आते हैं लॉन्ग वाले जो कि अगेन आप अलग से भी स्टाइल कर सकते हो, यू डोंट हैव टू वेयर नेकलेस एंड इयरिंग्स टुगेदर एंड क्वालिटी वाइज डेफिनेटली वर्थ इट। फ्रॉम द सेम ब्रांड आई ऑर्डर्ड वन मोर नेकलेस। ओके सो ये थोड़ा डिफरेंट सा है, इनकी पैकेजिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। दिस पैकेजिंग इज वे सिमिलर टू द ससी ट्रेंड्स ज्वेलरी फॉर एवर ट्राइड, मैंने तो बहुत ट्राई किया, मुझे इनकी ज्वेलरी काफ़ी पसंद है। एक पीस मैंने ऑर्डर किया है उनसे भी, तो ये है वे बहुत ही सुंदर सा नेकलेस जिसमें पीछे पिंक कलर के पर्ल्स दिए गए हैं एंड ये भी स्टाइल करने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आई हैवंट स्टाइल इट विद एनीथिंग येट बिकॉज अभी मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आया इसके हाथ में से पहनूं, बट ये लग बहुत ज़्यादा प्यारा रहा है एंड इसमें भी थोड़े बड़े वाले स्टोन्स दिए गए हैं। दिस इज़ नॉट लाइक दैट कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी वाला एडी, लेकिन दूर से देखने में ये लगता बहुत प्यारा है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है वैसे। तो उसके साथ ये बहुत ही सुंदर से इयरिंग्स आते हैं जो कि बहुत प्यारे लगेंगे साथ में सेट के पहन के, आप इन्हें अलग से भी पहन सकते हो बिकॉज द कलर इज़ वेरी नाइस। नेक्स्ट पीस दैट वी हैव इज़ फ्रॉम द ब्रांड ससी ट्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया मैंने एक पीस उनसे ऑर्डर किया, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चोकर नेकलेस है। तो ऑक्सीडाइज सिल्वर का तो काफ़ी कलेक्शन है मेरे पास बट आई डोंट हैव लाइक मच इन ऑक्सीडाइज गोल्ड, तो मैंने उसके लिए ही ऑर्डर किया बिकॉज विद कॉटन साड़ीज ऑक्सीडाइज गोल्ड लुक्स रियली वेल, वरना सिल्क के साथ भी काफ़ी अच्छे से जाता है, तो उन्हीं से मैंने ऑर्डर किया। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आई है, इट्स अ वेरी डिसेंट लुकिंग नेकलेस। आप पास से देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही डिसेंट लुकिंग है, क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो स्पेशली इसके जो इयरिंग्स हैं वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंड क्यूट लुकिंग झुमकास जो कि अगेन बहुत लाइट वेट है येट दे लुक्स वेरी नाइस। इनका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, इंट्रिकेट है एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस नेकलेस इज लुकिंग। मतलब इसने पूरा वाइब ही चेंज कर दिया मेरे लुक का, इतना ट्रेडिशनल और एथनिक लुक दे रहा है ना ये। सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस आउट, इट्स हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। वैन यू डोंट वॉन्ट टू वेयर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी स्टिल यू वॉन्ट समथिंग इन योर नेक, ट्राई दिस, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अगर आप उनमें से हो ना जिन्हें मिनिमल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है बट लेकिन उनको थोड़ा सा एथनिक लुक भी अच्छा लगता है, सो ये आपके लिए है। अनदर पीस दैट वी हैव इज़ फ्रॉम द ब्रांड ज़वेरी पर्ल्स एंड लेट्स ट्राई। ये तो मैं भूल ही गई मैंने क्या ऑर्डर किया है। सो इट्स अ लॉन्ग नेकलेस सेट और लॉन्ग तो मैंने इसमें आई थिंक एक ही दिखाया है आपको। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें जो इयरिंग्स आए हैं वो कुछ इस टाइप के आएंगे, ग्लास कुंदन वाला टच है,
बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इयररिंग्स. तो मुझे, मैं तो सोच रही हूँ कि इसको ना मंगलसूत्र में भी डाल सकते हैं, बिकॉज आई विल शो यू. सो ये जो नेकलेस आएगा वो आएगा कुछ इस टाइप का, एग्जैक्टली सेम जैसे इयररिंग्स मैंने आपको दिखाया ना वैसा ही इसमें पेंडेंट है. बहुत बहुत सुंदर लग रहा है. एंड इस तरीके से इसमें आपको चेन मिल जाएगी पतले पर्ल्स वाली. यू कैन ईजिली अटैच दिस टू एनी ऑफ योर मंगलसूत्र वाला चेन, तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा. मैं तो डेफिनेटली इसको मंगलसूत्र वाले चेन में ही डालने वाली हूँ. एंड इयररिंग्स जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा प्यारे हैं. अगर आपको इस तरीके से व्हाइट पर्ल में ही रखना है आप डेफिनेटली ऐसे ही कैरी कर सकते हो. इट इज़ लुकिंग सो एलिगेंट एंड बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है. सो डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई करना. सो दैट्स द फाइनल लुक. एंड जैसे कि मैंने बताया आई रियली लाइक इट. सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो. गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, अब तो स्वेटिंग स्टार्ट हो गई. आई थिंक मुझे लग रहा है 10 या 15 दिन में इसी चली जाएगा. सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन.